हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। पिंकी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मेरा बात करने का मन किया आपसे, तो आज मैं बहुत दिनों के बाद अपना ब्लॉग बना रही हूँ। फिर पीछे देखिए कितनी हरियाली है और मौसम ठंडा ही है। बारिश तो बहुत दिनों से नहीं हुई है बट मौसम ठंडा ही है, तो मैंने सोचा कि उन्हें आपसे बात की जाए। कैसे हैं आप सब बताइएगा ज़रूर मुझे। आज मैं अपनी कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इस ब्लॉग की शुरुआत की है। शाम के बज रहे हैं 6 और मैं अपने छत की बालकनी में खड़ी हुई हूँ। इस टाइम बाहर निकलना बहुत अच्छा लगता है, तो आज मैं अपने बारे में आपको कुछ बताऊंगी। तो मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा और देखते रहिएगा मेरे वीडियो। तो चलिए चलते हैं। हमेशा मुझे ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि आपकी जर्नी क्या है, आपने आपकी एजुकेशन के बारे में बताया नहीं। तो आज मैं अपनी एजुकेशन के बारे में आपको बताती हूँ कि मैंने 10th पास की अपनी मम्मी के घर से, और 10th पास आउट होने के बाद में मैंने 11th में बायो सब्जेक्ट लिया। उसके बाद फिर मैंने 11th बायो से पास की, 12th पास किया और कॉलेज में एडमिशन ले लिया बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में। एडमिशन लेने के बाद में फिर मेरी 2nd सेमेस्टर में शादी हो गई, जैसे कि मैंने आपको बताया था। शादी होने के बाद में मेरा ग्रेजुएशन चलता रहा। 2009 में मैंने अपना एडमिशन लिया बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में अपनी मम्मी के इधर, और इसके बाद मेरा ग्रेजुएशन जो है चलता रहा। शादी के बाद भी मैंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा और ग्रेजुएशन मेरा 2011 में कम्प्लीट हो गया। और जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कम्प्लीट हुआ तो फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ चली गई। 2011 में जैसे ही कंप्लीट हुआ, उसके बाद फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ जैसे ही गई, तो फिर उधर की दुनिया में सारी खुशियाँ मिलने लगी, सब कुछ चलता गया, बच्चे भी आए मेरी ज़िंदगी में, सब कुछ हुआ, चलता रहा ऐसे ही जैसे नॉर्मल ज़िंदगी में हमारी घरेलू लाइफ में चलता है। खासकर लेडीज़ों के साथ में जो होता है वही सिलाई कढ़ाई बुनाई उनमें मन लग गया। उस टाइम में वही सब कुछ था, बच्चे भी मेरे छोटे थे। फिर कभी पढ़ने की तरफ मन ही नहीं गया, तो मैंने कभी अपनी इच्छा भी जाहिर नहीं की कि मुझे पढ़ना है। तो बस ऐसे ही चलता रहा, 8-9 साल ऐसे ही चला। चलते चलते जब 2018 में जब नीट के एग्ज़ाम होने वाले थे, तब मुझे पता चला कि नीट के एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड ने ही मुझे बताया था कि एग्ज़ाम हो रहे हैं नीट के, और कुछ बच्चे थे जो हमारे रिलेशन में जिन्होंने तैयारी की कोटा अच्छी अच्छी जगह जाकर, इंदौर ऐसी जगह जा कर के, तो वो एग्ज़ाम देने वाले थे अपना। तो बस मैंने भी सुन करके ऐसे ही छोड़ दिया कि हाँ ठीक है, दे रहे हैं एग्ज़ाम तो क्या हुआ, मैंने भी तो दिया था। बट वो बात वहीं ख़त्म नहीं हुई, वो बात मन ही मन में मेरे घर करने लगी कि अब मैं अगर ये करना चाहूँ तो कैसे करूँगी। इतना टाइम मेरे को हो गया था, 8-10 साल पढ़ाई से दूर रहे, और कैसे मैं अपने आप को तैयार कर पाती और बोल पाती ये तो मैं ही जानती हूँ। बहुत मैंने सोचा अंदर ही अंदर, और फिर अपने हस्बैंड को बताया कि मैं भी नीट की तैयारी करना चाहती हूँ। ये इतने शब्द, नीट की तैयारी करना चाहती हूँ, ये मेरी ज़िंदगी के वो शब्द थे जो शायद मैं पहले बोल देती तो पता नहीं पहले ही डॉक्टर बन जाती। बट इतने दिनों के बाद दिमाग में आया कि मैं भी नीट की तैयारी करना चाहती हूँ और डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को ये बातें बताई, ऐसे हम दोनों लोग बात करते रहते थे कि मैं नीट की तैयारी करूँगी तो ये करूँगी वो करूँगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप एक बार ट्राई कीजिएगा। फिर हमने उसके नियम देखे, ऐसे ही चलता रहा कुछ टाइम तक। बुक्स वगैरह कुछ नहीं खरीदी हम लोगों ने, बस ऐसे ही नॉर्मली चलता रहा। मैं कभी कभी बोलती कि बुक वगैरह खरीदूँगी ये करूँगी, बट ये नहीं बोला मैंने कभी कि मेरे को आज ख़रीदना ही है। फिर मैंने एक दिन बोला कि मैं भी, जब एग्ज़ाम हो गया उन लोगों का, तो मैंने बोला कि मैं भी नीट का डाल सकती हूँ क्या। तो मेरे हस्बैंड बोले कि अब तो टाइम चला गया उसका, अब जो अगले साल में आएगा आप उसकी तैयारी कीजिएगा, हम उसमें डाल देंगे। तो फिर एज वगैरह के बारे में देखा, तो मेरा 28+ था उस टाइम 2018 में एज मेरा। तो इसके बाद फिर मेरे हस्बैंड बोले कि आपके पास एक ही चांस है बस, क्योंकि नीट के लिए 30 साल उम्र ही हमारी की गई है तय कि 30 साल तक आप नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मेरा तो लास्ट टाइम बचा है, अब मैं क्या करूँगी। तो फिर भी मैंने अपने मन को अच्छे से समझाया और मजबूत किया, तो मैंने बोला कि ठीक है मैं तैयारी करूँगी। तो जब फिर हम लोग पटियाला में थे, उस टाइम मैं अपने हस्बैंड के साथ पटियाला में थी, तो मेरे हस्बैंड बोले ठीक, बुक वगैरह देखा अमेजोन वगैरह पे, तो हिंदी मीडियम से थी मैं, तो हिंदी का बुक्स वगैरह कहीं अवेलेबल नहीं था उस टाइम में जो NCERT होती है। तो फिर पटियाला में भी देखा, उधर तो हिंदी मीडियम का कोई ऑप्शन ही नहीं था। वहाँ के जो दुकान वाले थे, सारे लोग थे, सब लोगों ने बोला कि हिंदी मीडियम का कोई बुक्स नहीं है। तो फिर मेरा मन टूट सा गया कि मैंने बोला कि अब बुक्स भी नहीं है, अब क्या होगा। फिर मेरे हस्बैंड बोले कोई नहीं, हम लोग छुट्टी चलेंगे तो मैं आपको बुक्स दिलवा दूँगा। तो फिर हम लोग घर आए छुट्टी जब भी, तो जुलाई में हम लोग घर आए छुट्टी, 14 जुलाई उस टाइम हो रहा था, तो मेरी बेटी का बर्थडे मनाने के बाद। उसके बाद हम लोग घर आए, तो फिर मैंने अपना यहाँ से बुक्स वगैरह परचेस किया, खरीदा बुक्स वगैरह। तो बहुत सारी बुक्स थी 11th 12th की और NCERT।
तो मैंने सोचा कि इतनी सारी बुक्स हैं, पता नहीं मैं कैसे पढ़ूंगी, कैसे इसकी तैयारी करूंगी, सोच तो लिया है मैंने बट बहुत मुश्किल है। फिर भी मैंने अपने मन को समझाया और नीट की तैयारी चालू की। तो यहाँ से हम लोग 15 दिन छुट्टी काटने के बाद घर चले गए। सिर्फ मैंने NCERT खरीदी और 3 ऑप्शनल बुक्स खरीदी उसके साथ में, जो विकल्प के रूप में, ऑप्शन के रूप में थी, तो वो मैंने खरीद ली थी कि कभी बाई चांस अगर वहाँ पेपर वगैरह नहीं मिल पाए कुछ। मेरे को पता नहीं था कि ऑनलाइन कैसे तैयारियाँ होती हैं या कई ऐप्स चल रहे हैं जिन पर तैयारी करवाते हैं। तो फिर मैंने बुक्स खरीद ली और ऑप्शनल बुकें 3, एक फिजिक्स केमिस्ट्री और एक बायो की खरीद ली और हम लोग वापस चले गए 15 दिन घूम घाम के। मम्मी के घर सारी जगह घूमा मैंने, बस चुप थी मैं। उन बच्चों के पास भी गई जो तैयारी कर रहे थे, उनसे भी पूछा कि आप लोग कैसे तैयारी कर रहे थे, कैसे क्या किया आप लोगों ने। बट उन लोगों ने तो बड़ी बड़ी कोचिंग्स और इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया, फिर तैयारी की और एक शेड्यूल से तैयारी की। वो मेरे लिए उस रोल को प्ले कर पाना बहुत मुश्किल था उस टाइम में, कि मैं इतना 2 बच्चों के साथ में, अपने हस्बैंड के साथ में, मेरे पास मेरे घर की जिम्मेदारियाँ भी थी जिनको मुझे पूरा करना था, खाना भी बनाना था, सभी कुछ करना था, झाड़ू पोछा बर्तन सभी कुछ, और 2 बच्चे मेरे साथ छोटे छोटे, बेटा मेरा स्कूल जाता था और बेटी मेरी उस टाइम 1.5 साल की थी। तो फिर भी मैंने अपने मन को बनाया, मैंने बोला कि मैं कर लूँगी सब कुछ। बस यहाँ से हम लोग चले गए। मेरे हस्बैंड के पास 15 दिन की छुट्टी बची थी, उन्होंने क्या किया कि मैंने बोला फिजिक्स खोल के देखा तो वो तो सर के ऊपर से ही जा रहा था। मैंने बोला ऐसे नहीं होगा, फिजिक्स में तो मेरा कुछ भी मेरे नहीं आता है, थ्योरी पढ़ूंगी, कितने मार्क्स आएंगे उसमें। उन्होंने बोला कि मैं कोचिंग वगैरह के बारे में पता करके आता हूँ। वो गए तो कोचिंग वगैरह देख के आए, तो वहाँ पे हिंदी मीडियम वाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी और ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ मैं अपने बच्चों को लेकर के जा पाऊँ और वहाँ पढ़ पाऊँ, ऐसा कुछ नहीं हो पाया। फिर वहाँ भी हिम्मत हारने सी लगी थी कि अब कोचिंग वगैरह भी नहीं कर पाऊँगी, और आजकल के बच्चे इतने पढ़ने वाले, इतने इंटेलिजेंट, और मैं कहाँ जिसने 10 साल से अपनी बुक्स को खोल के ही नहीं देखा, एजुकेशन से इतनी दूर हो गई, कुछ कर नहीं पाई, कुछ कभी पढ़ा नहीं छोड़ने के बाद में, तो मैं कैसे कर पाऊँगी। फिर मेरे हस्बैंड बोले आप ऐसे मत सोचिएगा, आपसे जितना बनता है मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊँगा, उन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है पॉलिटेक्निक से। तो मैंने बोला ठीक है। उन्होंने जितने दिन की छुट्टी थी उतने दिन मुझे फिजिक्स पढ़ाया, वो तो मेरे सर के ऊपर से ही जाना था क्योंकि बेसिक से ही पढ़ना था मुझे, भले मैंने 11th 12th इतनी साल पहले पढ़ लिया था तो क्या था, वो तो आगे पार्ट पीछे सपाट वाला काम हो गया था, तो सारा कुछ मैं ऑलमोस्ट भूल ही चुकी थी सब कुछ। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे पढ़ाया जितने दिन भी उनसे बना। फिर उनकी ड्यूटीज़ वगैरह में उनको टाइम ही नहीं मिल पाता था कभी के वो मुझे पढ़ा पाते। तो इसके बाद में फिर मैंने अपनी खुद से तैयारी करना चालू किया, फिजिक्स को साइड में रख दिया और फिर मैंने अक्टूबर से अपनी पढ़ाई को एक सही तरीके से करना चालू किया और सोचा कि मुझे नीट क्वालिफाई करना ही है क्योंकि वो मेरा लास्ट साइंस चांस था, करो या मरो वाली कंडीशन थी। तो मैंने अपना फिर तैयारी करना स्टार्ट कर दिया, सुबह बच्चे को स्कूल भेजना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, घर के काम करना 9, 9:30, 10 बजे तक, इस तरीके से मेरा रूटीन चलता गया और मैं पढ़ती चली गई। फिर मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए, सबसे ज़्यादा मेरी हेल्प यूट्यूब ने ही की है, उस पर ही मैं सर्च मारती थी गूगल और यूट्यूब दोनों चीज़ों पे, तो जो जो टॉपिक मुझे नहीं आते थे या समझ में नहीं आता था तो फिर मैंने पढ़ा और अपने तरीके से अपने नोट्स बनाए, खास करके जैसे मुझे आया वैसे। तो बस इस तरीके से मैं मेहनत करती गई और 1 साल तक मैंने अच्छे से तैयारी की, मतलब अपना बेस्ट दिया उसको तैयार करने में। तो फिर एग्ज़ाम आ गया, घर पर आए तो मेरी ननद की शादी आ गई, शादी हुई, 1.5 महीना उसमें चला गया शादी में, बस 15 दिन का टाइम मेरे पास बचा था कि मैं जो कुछ भी होता रिवीजन कर लेती। उस टाइम में मुझसे जितना बना उतना मैंने सारा कुछ पढ़ दिया और 7 जून को हमारा पेपर था 2019 में, मेरे हस्बैंड यहीं थे मेरे साथ में, तो मैंने एग्ज़ाम दिया, जाके आई एग्ज़ाम देके, मेरे हस्बैंड ने बोला क्या होगा, तो बीपी लो हो गया मेरा। मैंने बोला एग्ज़ाम तो चला गया, मेरा रिजल्ट ही बताएगा कि मेरा क्या होगा। तो मेरे हस्बैंड बोले कि आपको भी तो कुछ लग रहा होगा कि मैं एग्ज़ाम में क्या करके आई हूँ। मैंने बोला जो जो मुझे उस टाइम में अच्छा लगा वो मैंने किया। तो बोले ठीक है, आप घबराइएगा नहीं, रिज़ल्ट अच्छा ही होगा, आपने इतनी मेहनत की है। तो फिर हम घर आ गए और रिज़ल्ट का इंतज़ार किया, रिज़ल्ट आया तो मेरे हस्बैंड बोले कि आपका क्वालिफाई हो गया है। बस वो दिन तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब तो मैं डॉक्टर बन ही गई, मेरा सपना जो है अच्छे तरीके से पूरा हो गया। तो हो गया, मेरे हस्बैंड बोले अभी नहीं हुआ है, अभी तो लास्ट सीढ़ी चढ़ना बाकी है, अभी काउंसलिंग में हम लोगों को पार्ट करना पड़ेगा, ये वो इतनी सारी प्रोसेस उन्होंने बताई। फिर मैंने बोला कि अब इतना आ ही गए हैं तो भगवान थोड़ा सा धक्का और लगा ही देंगे, देखना हमारी हेल्प कर ही देंगे। तो फिर एग्ज़ाम हुआ, एम्स का भी दिया मैंने बट तो उसमें मेरा नहीं हो पाया क्योंकि मेरी इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी, मैं जितना अपना बेस्ट दे सकती थी अपने हिसाब से मैंने दिया। और नीट क्वालिफाई होने के बाद फिर इसमें डाला ऑल इंडिया में, फिर बहुत सारी काउंसलिंग की प्रोसेस होती है, वो मेरे हस्बैंड ने की सारी कुछ, मुझे पता नहीं है ये सब कुछ। इसके बाद फिर आयुष की काउंसलिंग आई तो मैंने आयुष में डाला और मुझे तो ये लग रहा था कि कोई सी भी
पैथी हो, किसी भी पैथी में मैं जाऊँ, ज़रूरी नहीं है कि नहीं यही करूँगी या एलोपैथ में जाऊँ या आयुर्वेद में जाऊँ या होम्योपैथ में, किसी भी पैथी में जाऊँ, बट मैं डॉक्टर बन जाऊँ, बस यही सपना मेरा था। तो मैंने बस फिर आयुष काउंसलिंग आयुष में डाला, तो मेरा भोपाल में मेरे को कॉलेज मिल गया और आज मैं BAMS की स्टूडेंट हूँ फर्स्ट ईयर की। और इन सब में सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया और इसी तरीके से आप लोगों का साथ भी मेरे साथ बना रहे, यही मैं चाहती हूँ। और आप लोग इसी तरीके से मेरी हेल्प करें जैसे मेरे हस्बैंड ने की है आगे बढ़ने में, ताकि यूट्यूब पर भी मैं अपना नाम बना पाऊँ। और बस यही जर्नी थी मेरी पढ़ने की, और जो जो ज़िंदगी में हुआ वो थोड़ा थोड़ा करके मैं आपके साथ इसी तरीके से शेयर करूँगी। और आज मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने की एक सीढ़ी लगभग आधा चढ़ चुकी हूँ और जो आगे की सीढ़ियाँ चढ़ना बाकी है उसमें मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, और अगर आपके घर में कोई भी है जो पढ़ना चाहता है, चाहे आपकी वाइफ ही क्यों ना हो, चाहे आपकी बहन ही क्यों ना हो, कोई भी हो, आप उसको रोके नहीं, उसको आगे बढ़ने की शिक्षा दें, उसको बताएं कि आप आगे बढ़ सकती हैं, या आप उनकी हेल्प नहीं कर सकते तो उनको डीमोटिवेट ना करें जैसे मेरे परिवार ने मुझे किया मोटिवेट, मेरे हस्बैंड ने खास करके। उसी तरीके से आप भी किसी ना किसी ज़िंदगी को बना सकते हैं, जैसे कहते हैं ना कि एक आदमी को बनने में एक औरत का हाथ होता है, उसी प्रकार मैं कहूँगी कि आज मैं जो कुछ हूँ अपने हस्बैंड की हेल्प से ही हूँ, उनके साथ से ही हूँ, अगर वो मेरी हेल्प नहीं करते तो मैं शायद इस दुनिया से नहीं लड़ पाती। बस इतना ही कहूँगी, आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें। और हाँ, मैं रेसिपीज़ भी बनाती हूँ, खाना भी बनाती हूँ और अच्छा खाना बनाती हूँ, आप मेरी वीडियोज़ देखें, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल चुकी हूँ, आप लोग देखें। और इसी तरीके से मैं अपनी मेहनत करती रहूँगी और आप लोगों के साथ अपनी रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी और अपनी पर्सनल लाइफ भी। और ये लॉकडाउन के बाद में जब भी कभी मेरा कॉलेज खुलता है, अभी तो हमारी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है और मेरा एडमिशन बहुत अच्छे कॉलेज में हुआ है, ये भी ऊपर वाले की और ख़ास करके मेरे हस्बैंड की मेहरबानी है। तो बस आज के लिए इतना ही, जब भी मैं अपने कॉलेज जाऊँगी तो आप लोगों के साथ वहाँ की जर्नी भी शेयर करूँगी और मेरे साथ में जो बच्चे हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी, मिलवाऊँगी अगर हो सका तो। आज के लिए बस इतना ही, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।